भाई वीडियो बना के बिना कुछ फायदा नहीं है अब, सीरियसली बता रहा हूँ। पूरी हिम्मत टूट चुकी है यार। मेरा जो चैनल था ना, पूरा अचानक से ही मेरे को 4 बज के सुबह के टाइम में ना, 4:30 के अप्रॉक्स एक मेल आता है कि आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज कर दिया गया है। और ये जब मैंने सुना और ये मैंने जब देखा मेल में और पढ़ा ना, तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे होश उड़ गए। भाई इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा था, हम सब इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, इतना ग्रो भी किया हम लोगों ने साथ में मिलके, और इन दी एंड यहाँ आके इस मोमेंट पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इस टाइम ग्रोथ की, रेवेन्यू की, सभी चीज़ों की, और उस टाइम पे आके ऐसा हुआ ना, सीरियसली बता रहा हूँ, अब हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है यार। मैंने तो सोच लिया यार कि अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी बिल्कुल अब मुश्किल ही है बना पाऊँ, क्योंकि यार जब चैनल ही मोनेटाइज नहीं है, जब रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा, हम लोग मेहनत करते हैं, अगर हम मेहनत करने के बाद हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो यार मेहनत करके क्या फ़ायदा। पता नहीं यार क्या सीन हुआ, मेरा चैनल है दूसरा, उस पर 1,00,000+ सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, बट यार अचानक से ऐसा हो जाना, क्या ही बोल सकते, क्रिएटर समझ सकता है इस चीज़ को जब उसका चैनल डिमोनेटाइज होता है। तो मेन रीज़न जो आया निकल के यार, वो आया रियूज कंटेंट का, बट यार वो रियूज कंटेंट भी क्या ही बोले। ये रहा हमारा चैनल और इस पर जो सब्सक्राइबर हैं आप देख सकते हो 1,19,000 हैं, और व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, और जब हम इसको जाते हैं मोनेटाइजेशन के सेक्शन में तो इस पे आ रहा है भाई, योर चैनल इज़ नो लॉन्गर एलिजिबल टू मोनेटाइज, और जो रीज़न दिया इन्होंने वो दिया है रियूज कंटेंट का। यार 1,00,000 सब्सक्राइबर होने के बाद अब आपको दिख रहा है कि हाँ हम रियूज कंटेंट डाल रहे हैं, ये चीज़ तो आप हमको पहले भी बोल सकते थे, 1,00,000 सब्सक्राइबर इतनी ग्रोथ होने के बाद ही क्यों करा, जब हमारे 10,000-15,000-20,000-30,000 सब्सक्राइबर थे तब भी आप अगर यही रीज़न देना था रियूज कंटेंट का तो आप दे सकते थे। और रियूज कंटेंट जिस वजह से आया, वो वीडियो मैंने चेक करा, वो कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 9 महीने पुराना वीडियो है। तो 8 से 9 महीने में आप लोग क्या कर रहे थे, 8 से 9 महीने पहले ही अगर आप रियूज कंटेंट देते थे तो हम उस चीज़ को समझ सकते थे, बट यार उस चीज़ को उस टाइम तो आया नहीं, उसके बाद रियूज कंटेंट आ गए, चैनल डीमोनेटाइज होना, ये तो यार ठीक नहीं है। बट क्या ही करें भाई, YouTube किसी की नहीं सुनता, उसको जो करना होता है कर देता है वो, और उसने वही किया, चैनल डिमोनेटाइज कर दिया, हमारी तो हिम्मत पूरी टूट गई है भाई। यार अब क्या ही करें बताओ, 1,00,000 सब्सक्राइबर का क्या करें, जब भाई अब हमारे पास मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं है, हमें रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो यार वीडियोज़ डाल के क्या फ़ायदा। सो भाई आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ यार क्या करना चाहिए, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है भाई। घर वालों के इतने ताने सुनते थे, इतने सेक्रीफाइसेस करे, इतना स्ट्रगल किया, और इन दी एंड भाई साहब अब टाइम स्टार्ट हुआ था यार, पर अब आके ऐसा हो गया कि भाई चैनल एकदम से डिमोनेटाइज, भाई अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है सीरियसली। भाई आप लोग कॉमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ा दे तो यार सोचेंगे, वरना भाई मैंने तो सोच लिया है अब मैं वीडियोस तो अपलोड करूँगा भाई, जब अब कुछ मिलना नहीं है तो यार क्या ही करें। और ये वीडियो बनाने का भी सीरियसली मन नहीं कर रहा था, बट ये था कि आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि भाई क्या स्थिति चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है यार इस टाइम, और क्या बीत रही है मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, हम दोनों की मेहनत थी। आप समझ सकते हो भाई, अगर आप क्रिएटर हो ना तो एक क्रिएटर अच्छे से समझ सकता है इस पेन को क्या होता है। भाई चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, भाई कमेंट में बताना क्या मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई करने वाला हूँ नहीं, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं बची कि मैं भाई अब बिना वजह के मेहनत करूँ।